सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के रजन सीरीज के अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू को कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए यहाँ पर हम पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 101 से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 है, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन ही वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे कि पानी का भाप बनकर उड़ जाना ही वाष्पीकरण होता है। बहुत ही सिंपल सा है कि पानी का भाप बनकर उड़ जाना, चाहे वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नदियों से उड़ता हुआ भाप हो, या फिर पानी गर्म कर रहे हो आप उससे उड़ता हुआ भाप हो, ये सभी क्या है, यही क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 102 है, मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? मूल अधिकार को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है हर एक बच्चे को। तो यहाँ पर आप किसी भी नागरिक को ये अधिकार है, उसको देश में ये अधिकार निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समता का अधिकार है, सभी सभी व्यक्ति समान है, चाहे पुरुष हो महिला हो, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में। तो ये क्वेश्चन आप देखिए 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 103 है, अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन दो आधारों से करते हैं? तो श्रम और पूंजी से। क्वेश्चन नंबर 104 है, उत्पादन क्या है? उत्पादन अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों, भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 106 है, मेगास्थनीस द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। दोस्तों, मेगास्थनीस ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 108 है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 109 है, राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो राजपूत काल में काशी और कन्नौज ये दो प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 110 है, महमूद गजनबी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था, वह मंदिर कौन था? तो वह मंदिर था सोमनाथ का मंदिर, जो कि गुजरात में है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 111 है, सल्तनत कालीन राज्य की आय के दो साधन लिखिए। दोस्तों, सल्तनत काल में यानी कि मुगल काल में, या फिर ये कहें जब मुस्लिम शासकों का शासन था हमारे देश में, चाहे वो गुलाम वंश रहा हो, लोदी वंश रहा हो, मुगल वंश रहा हो, उस समय आय के स्रोत क्या थे, आय कहाँ से मिलती थी राज्य को, धन कहाँ से मिलता था? तो कृषि से मिलती थी और व्यापारियों पर टैक्स लगाने से। क्वेश्चन नंबर 112 है, परतदार सेल के दो उदाहरण दीजिए। परतदार सेल के दो उदाहरण पूछे गए, तो दो उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है बलुआ पत्थर, दूसरा है चूना पत्थर कोयला, और इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आप देख सकते हो, लिग्नाइट भी परतदार सेल का ही उदाहरण है, डोलोमाइट भी परतदार सेल का उदाहरण है। तो इस तरीके से इन सभी का नाम है आप याद रखिएगा, और याद रखेंगे तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे अगर इस तरीके के बनेंगे तो भी आप उन क्वेश्चंस को भी सही कर लोगे। तो इसलिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, लिग्नाइट, डोलोमाइट, ये सभी क्या है, परतदार सेल के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 113 है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी, दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी अगर यहाँ पर पूछेगा, विश्व की यहाँ पर सबसे बड़ी नदी पूछा, अगर यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो राइट आंसर यही होगा, नील नदी। ठीक है, आप याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, तो यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, विश्व की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं में दोस्तों भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये सभी आंतरिक क्रियाएं हैं, लेकिन भूकंप तो हमें दिखता नहीं है, अंदर ही क्रिया होती है, उसका प्रतिक्रिया बाहर दिखता है। सेम यही चीज इसी तरीके से ज्वालामुखी में भी है, पृथ्वी के अंदर ही उद्गार होता है, फिर वो फट करके बाहर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, सूर्य ताप किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 116 है, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया मानी जाती है जिसमें सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारतीय नागरिकों के किन्हीं दो मूल अधिकारों के नाम लिखिए। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी क्या हैं? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे M.S. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 120 है, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। दोस्तों, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याओं में गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक विषमता है, और आज सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे देश में? बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121 है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 122 है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहां से कहां तक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में हिंद कुश पर्वत से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक एवं उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। क्वेश्चन नंबर 123 है, चंद्रगुप्त के विषय में जानने के लिए मुख्य स्रोत क्या है? तो चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत है कौटिल्य, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, तथा मेगस्थनीज की इंडिका। तो मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त ने लिखा था अर्थशास्त्र, या जैसे हम चाणक्य कहते हैं, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 124 है, चंद्रगुप्त ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया? चंद्रगुप्त ने पंजाब पर 316 ईसा पूर्व में संपूर्ण अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 125 है, चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर कब बैठा था? तो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 126 है, सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया था। आपको पता है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था, और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, ये भी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है। क्वेश्चन नंबर 127 है, मेगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मेगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 128 है, मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो सदस्यों की संख्या टोटल 30 होती थी। क्वेश्चन नंबर 129 है, मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश एवं जनपदों के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो नगरों के न्यायाधीश को व्यवहारिक महापात्र और जनपदों के न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 130 है, भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? दोस्तों, भूमि कर को एकत्र करने वाले अधिकारी को अग्रम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 131 है, मौर्य शासन में तीर्थ क्या था? तो शासन की सुविधा हेतु केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था, जिसे हम तीर्थ कहते थे। क्वेश्चन नंबर 132 है, बिंदुसार को किस उपनाम से जाना जाता था? तो बिंदुसार को हम अमित्र या शत्रुओं का संहारक के नाम से भी जानते थे। क्वेश्चन नंबर 133 है, अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था? तो अशोक का धम्म वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता था, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी क्या है? हमारा घर है। क्वेश्चन नंबर 134 है, मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो दोस्तों, मौर्य काल में समाज चार वर्गों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन नंबर 135 है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 136 है, मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों, मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण था अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 137 है, मौर्य शासन में जनगणना समिति का कार्य करती थी जन्म मरण का हिसाब रखना, यानी कि राज्य में कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। क्वेश्चन नंबर 138 है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुआ, किसके द्वारा की गई थी? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना आदिराज महाराज गुप्त द्वारा 275 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 139 है, सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो दोस्तों, महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 140 है, गुप्त संवत का प्रचलन किसने व कब किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया था। क्वेश्चन नंबर 141 है, महाकवि हरिषेण कौन थे? तो महाकवि हरिषेण समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी था। क्वेश्चन नंबर 142 है,
समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है? दोस्तों, समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण सेना नायक था, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, गुप्त काल के दो प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों, गुप्त काल के दो प्रमुख वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट और वराह मिहिर। क्वेश्चन नंबर 144 है, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो गुप्त काल में दो प्रमुख जो साहित्यकार थे वो थे कालिदास, विशाख दत्त। कालिदास ने विज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, आपको पता है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। तो यहाँ पर आप कालिदास और विशाख दत्त को लिखिएगा जब भी इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखने को। क्वेश्चन नंबर 145 है, चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? इस वंश का प्रथम शासक कोक्कल प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 146 है, चालुक्य तथा सोलंकी वंश की राजधानियां कहाँ थी? दोस्तों, इनकी राजधानियां अनहिलवाड़ा में थी। क्वेश्चन नंबर 147 है, प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, किंतु वास्तविक प्रथम राजा नाग भट्ट प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 148 है, चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध तथा अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, चौहान वंश का प्रसिद्ध एवं अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसका कार्यकाल था 1179 से 1193 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 149 है, पाल राजवंश का प्रथम राजा कौन था? दोस्तों, पाल वंश का प्रथम राजा शासक था धर्मपाल, जिसका कार्यकाल था 770 से 810 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 150 है, राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भूमिकर। ठीक है, भूमिकर से ये क्या करते थे, आय के स्रोत प्राप्त करते थे और उसी से क्या करते थे, सैनिकों को वेतन देते थे और जो भी कार्य होता था उसी से करते थे। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए 150 तक। अब इसके बाद हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे 150 के बाद। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन नीचे इस तरीके से मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यहाँ पर आपको घंटी दिख रहा होगा, घंटी का निशान भी प्रेस करेंगे तो जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंच जाएगा और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहेंगे। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप जितनी भी वीडियो अब तक बनाई है आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी और सभी वीडियोस अच्छे से आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और जहाँ कहीं भी कोई समस्या है हमसे पूछ सकते हो। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो मत भूलिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के कॉलेज ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें। और अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमने जितने भी वीडियोस अब तक बनाए हैं आप लोगों के सभी सब्जेक्ट के, आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ डालिए। दोस्तों, अगर आप हर एक वीडियो को हमारे चैनल से पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे से अच्छा नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप जितनी हो सके उतनी मेहनत करिए और वीडियोस को बार 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 रिपीट करके भी देख सकते हैं और जितनी भी वीडियोस हैं आप सबको देख डालिए, सबको पढ़ डालिए, सभी विषयों की अच्छे से तैयारी कर लीजिए तो आपको आगे चलकर के कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बेझिझक आप पूछते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।